Hi I'm Rupal Gupta. Welcome to the Mathematics classes. Today we will learn to apply the concept of linear equations to solve some problem. We will learn how to convert the word problem into linear equation and find the solutions. Applications of linear equations can be utilized in various fields like solving problems on numbers, geometry, ratio, ages, and denominations, etc. हम हर फील्ड्स के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे ये हमें हेल्प करेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज 2.2 लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ऑन नंबर्स देयर आर सम नंबर प्रॉब्लम वेयर वी नीड टू फाइंड दैट नंबर व्हेन इट सेटिस्फाई सम कंडीशन लाइक दिस क्वेश्चन फाइंड द नंबर व्हेन टू मल्टीप्लाइड विद द नंबर एन एडेड विथ फोर इट बिकम्स टेन हमें एक ऐसा नंबर बताना है जब हम दो मल्टीप्लाई करने के बाद फोर से ऐड कर दे उस नंबर के साथ तो वो टेन बन जाता है इसे हम हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले पार्ट में जो भी ऑपरेशंस हुए हैं उस नंबर के साथ वो होगा एंड सेकेंड पार्ट में हमें रिजल्ट मिलेगा नौ फर्स्ट पार्ट को हम ध्यान दे तो वहां एक नंबर है जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई या एडिशन हो रहा है बट हमें वो नंबर पता नहीं है उस केस में हम उस नंबर को x सपोज कर लेंगे और जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं केस वन के वो सब हम उस अननोन पर अप्लाई करेंगे लाइक मल्टीप्लीकेशन विथ टू एंड देन एडिंग फोर So, four but case two बट केस saying इज same सेम थिंग रिजल्ट ten बन जाता है उनके एडिशन के बाद एंड so, केस two दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे वन साइड हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एक सिंगल वेरिएबल में और दूसरी साइड हमारे पास एक constant है ten दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू टेन नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन ट्रांसपोजिंग फोर टू राइट हैंड साइड फोर को हम लेफ्ट साइड से राइट right साइड की तरफ ले जाएंगे तो हमें मिलेगा टू एक्स इक्वल टू सिक्स हियर टू इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स सो हम दोनों साइड दो से डिवाइड करेंगे सो वी गेट टू एक्स बाय टू इक्वल्स टू सिक्स बाई टू यहां लेफ्ट हैंड साइड में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इन राइट हैंड साइड 2 3 या सिक्स हिस्स टू थ्री सो आवर आंसर इज 3 सिमिलरली आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सप्रेक्टेड टू ट्राइज द रेशनल नंबर 1 बाई टू टू गेट 1 इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में एक नंबर जिसे हम सप्रैक्ट किए हैं वन बाई टू के थ्राइस से या थ्री टाइम्स ऑफ वन बाई टू एंड इन सेकेंड केस में इनका रिजल्ट वन होगा सो अकॉर्डिंग टू केस वन हमने एक नंबर एक्स माना है तो एक्सप्रेशन हो जाएगा थ्री वन बाई टू माइनस एक्स and in case 2 we get result 1 so our equation will be 3 1 by 2 x equals to 1 here 3 bracket me 1 by 2 equals 3 by 2 3 by 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा -x equals 1 3 by 2

टिव नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं सो लेट एस डिस्कस अबाउट इट कॉन्टिव नंबर आर आर विच इन ऑर्डर एंड गैप। हमें हमेशा नंबर्स को ऑर्डर में रखना और जिस भी नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके जस्ट अगला नंबर उसी डोमेन का होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल थ्री कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स अगर हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो वन टू थ्री इज द रिक्वायर्ड कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स बट हम इसे फोर फाइव सिक्स भी लिख सकते हैं और सेवनटीन एटीन नाइनटीन ये भी कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स ही है क्योंकि इनके बीच हम कोई भी इंटीजर नंबर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते इफ वी डू नॉट नो अवर नंबर देन वी कैन लेट अवर कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स एज एक्स x plus 1 and x plus 2 to solve our question. Similarly, for 3 consecutive even numbers, we get 2, 4, 6 and 10, 12, 14. These are the correct consecutive even numbers because they are in the order and there is no gap between them. Then, we can let our number as x, x plus 2 and x plus 4. यहां पर इंक्रीमेंट हमने दो किया है बिकॉज दो कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स के बीच का गैप दो मिलता है सिमिलरली फॉर थ्री कॉन्जिकेटिव ऑर्ड नंबर्स वी कैन सपोज अवर नंबर एक्स एक्सप्ल टू एंड एक्सप्ल फोर यहां भी हमने दो दो का इंक्रीमेंट किया है बिकॉज टू कॉन्जिकेटिव ऑर्ड नंबर इज टू लाइक वन थ्री फाइव हियर 3 and 1, the gap is 2, and 5 and 3, the gap is also 2. Now, for 3 consecutive multiples of 8, we can have our number as 8, 16, 24, or 32, 40, 48. Because in every set, number is a multiple of 8, they all are in order and without gap, like फ्टर 8, द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 16 एंड ट्वेंटी 24. हम यहाँ अगर किसी भी सेट से दो एडजेसेंट नंबर चूज करें तो उसका हमेशा डिफरेंस एट होगा सो so, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट नंबर को एट एक्स ले सकते हैं और नेक्स्ट नंबर के लिए इनमें एट ऐड भी कर सकते हैं लाइक एट एक्स प्लस एट एंड देन Here again adding 8 to the previous number. This can also be written in this form 8x, 8 in the bracket x plus 1, 8 in the bracket x plus 2. Also for a consecutive multiple of 3, we can let our number like 3x, 3x plus 3, and 3x plus 6. Our problem can be related to rectangular and triangular images. We need to find the parameters to solve the problem. If our rectangle is ABCD, then the parameter is nothing but the sum of all the sides AB plus BC plus CD plus DA. Here, AB and CD are the length, and BC and DA are the breadth.

ए बी प्लस बी सी प्लस सी एस क्वेश्चन रिलेटेड टू जोमेट्री अवर क्वेश्चन इज द पेरीमी रेक्टेंगल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड इट्स विथ इज टू थ्री बाई टू सेंटीमीटर फाइंड इट्स यहां भी हमने क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया है पहले केस में हमने पैरिमीटर को लिया है एंड सेकेंड केस में हमने विथ को लिया है सो अकॉर्डिंग टू केस नंबर वन द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड इन केस टू द पैरामीटर इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ यहां हमें लेंथ गिवन नहीं है तो हम लेंथ को एक्स सपोज करेंगे सो पैरामीटर बिकम्स टू इन द ब्रैकेट एक्स प्लस टू थ्री बाई टू अब हम दोनों पैरीमीटर को इक्वल कर सकते हैं we get 2 in the bracket x plus 2 3 by 2 equals to 15 after dividing both side by 2 we get this again transposing 7 by 2 to right hand side we get x equals to 15 by 2 minus 7 by 2 again we solve karenge to hame x equals to 4 milega hence length is 4 centimeter

हम रेशियोस को किसी भी स्केलर नंबर लाइक वन टू थ्री एक्सेट्रा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे कि यहाँ हमने टू से मल्टीप्लाई किया है तो अब हमारे पास टेन ग्रीन सर्कल्स और सिक्स रेड सर्कल्स हैं बट इनका भी रेशियो सेम फाइव टू थ्री होगा वी कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई और डिवाइड द रेशियो बाई सेम वैल्यू लाइक हियर We have done it using 2. This 2 is called the common ratio. So, to solve our problem related to ratio, we can assume this common ratio as x. So, if we do not know our total number of green and red circles, we can let our total green circles be 5x and red circles be 3x.

एड करना है सिमिलरली इफ द प्रेजेंट एज इज एक्स देन बिफोर एम ईयर द एज विल बी एक्स माइनस एम ईयर सपोज अमित की एज फिफ्टीन ईयर है और हमें अमित की एज फाइंड आउट करनी है दस साल पहले कितनी होगी तो यहाँ एक्स 15 है एंड एम की वैल्यू 10 है विच इज 15 माइनस टेन इक्वल्स टू फाइव ईयर Our next point is if the ages are given in the ratio m ratio n, then we can take a common ratio x and ages will be mx and nx here. Let's take one example here. If the present age of Ram and Sham are in the ratio 5 ratio 3 and their sum age is 24, find their age. Ram and Shyam ki age let ki hai 5x and 3x. So our equation will be 5x plus 3x equals to 24. 5x plus 3x equals 8x. Hence x equals to 3. After putting the value of x in 5x and 3x, the age of Ram will be 15 years old and the age of Sham will be 9 years old. Now Last point is that if the age is given as x year, then m times would be mx. And to get 1 upon m of the age, the age would be x upon m year. This would be clear when we solve exercise questions. We have to also solve some questions related to denominations. But what is denominations? डिनिनेशन इज सिंपली अ क्लासिफिकेशन ऑफ करेंसी अमाउंट इन डिफरेंट बैंक नोट एंड कॉइन्स ये हमें हेल्प करता है अलग अलग प्राइस के आइटम को परचेज या सेल करने में ऑलवेज रिमेम्बर वी नीड मोर लोअर डिनोमिनेशन नोट्स टू रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट इन हायर डिनोमिनेशन इसे ऐसे समझते हैं लाइक like, हमारे पास टेन रुपीज का नोट है तो टोटल टेन रुपी होगा सपोज हमें सेम अमाउंट को रुपीज वन से रिप्रेजेंट करना है तो वी नीड टेन नोट बिकॉज इंटू टू टेन तो जब भी हम लोअर नोट में जाएंगे तो सेम अमाउंट के लिए हमें ज्यादा नंबर ऑफ नोट चाहिए यहाँ हम टोटल अमाउंट या सम ऑफ ऑल द मनी जनरेटेड बाई डिफरेंट नोट्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अमाउंट हमेशा इक्वल होगा उस नोट की वैल्यू के और वहाँ कितने नोट्स हैं वैल्यू ऑफ वन नोट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नोट्स विल गिव अस द टोटल अमाउंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे यूज करना है जैसे यहाँ टेन के चार नोट हैं तो टोटल अमाउंट फोर्टी होगा ट्वेंटी के तीन है तो ट्वेंटी इंटू थ्री Is 60, तो टोटल अमाउंट होगा सिक्सटी और फिफ्टी के दो नोट है तो टोटल अमाउंट होगा हंड्रेड अगर टोटल अमाउंट निकालना है तो हम सब अमाउंट को ऐड कर देंगे जो कि रुपीज टू हंड्रेड होगा हम सेम अमाउंट को बड़े डिनोमिनेशन के केवल दो नोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि 200 के लिए हमें हंड्रेड रुपीज के केवल दो नोट ही चाहिए तो यहां हमने सीखा कि हायर डिनोमिनेशन में हमेशा कम नोट्स होते हैं और टोटल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं नाउ, अगर नंबर ऑफ नोट्स हमें रेशियो में दिया है तो सिंपली हम जानते हैं कि कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं होता easily we will assume a common number or ratio as x and hence here we can take the number of 10 rupees notes as 3x and number of 20 rupees notes as x let us find the amount from 10 rupees we get 10 into 3x becomes 30x and from 20 rupees we get 20x these are all the amount generated from one note so total amount will be 50x but in quotient it is given as 100 rupees so we can equate them 50x equals to 100 we get x equals to 2 hence number of 10 rupees notes is 6 and 20 rupees notes is 2 and also, you can check we will get finally 100 rupees as total. Thanks for watching the videos. Please do also watch the next video where we will use this concept to solve the question of exercise 2.2. If you like the video, then do share with your friends and subscribe the channel for more videos like this. Don't forget to hit the bell icon. Thank you.